बापूजी नगर कल्पना फ्लाईओवर ब्रिज तले अटकी ट्रेन जेहेतु अलिया गदार निया लगी जाइछि ट्रेन लाइन कडर थिबा अलिया गदार निया लगी फल निया जोगु अटकी रही ट्रेन एवं स्टेशन जीवा पूर्व ट्रेन टी अटकी रही चित्र आम देखु आपन को अलिया गदार ट्रेन लगी फल बापूजी नगर एवं कल्पना फ्लाईओवर ब्रिज तले ट्रेन टी अटकी रही ट्रेन लाइन कडर जेहेतु अलिया गदा रही अड़िया गदार निया लगी भयंकर निया लगी जो ट्रेन चलाचल प्रभावित होती ट्रेन अटकी रही स्टेशन जीवा पूर्व ही ट्रेन टी अटकी रही नहीं देखा मिली आपन को अरुण चित्र देखुं सीधासलख ये हूँ चित्र बापूजी नगर एवं कल्पना जो फ्लाईओवर ब्रिज रही तले ट्रेन टी अटकी रही ट्रेन टू ट्रेन टी स्टेशन को जाऊला किंतु ता पूर्व अटकी रही कारण ठीक ओवरब्रिज तले जो अलिया गदा रही से अलिया गदार जेहेतु व्यापक भाव निया लगी से ट्रेन टी आग को जापार नहीं चलाचल प्रभावित होती एवं ट्रेन टी अटकी रही कि समय पर स्टेशन में पहुंची था कि जेहेतु निया लगी से ट्रेन एवं अटकी रही अरुण आम सहित जोड़ अरुण आम देखु कि जेहेतु निया लगी से ट्रेन अटकी रही स्थिति कौन देखु ये हूँ राजमहल कल्पना ओवरब्रिज जो देखिए कि ट्रेन टी बर्तमान अटकी जाए ये ट्रेन हूँ पूरी जलेश्वर जहाँकि ये हूँ राजमहल ओवरब्रिज तले जो देखिए कि जो रही केबुल छिड़ा पड़ा पर जहाँकि निया लगे जाता हूँ तो गोटे बड़ धरण दुर्घटना पूर्व ही तो ये सबकि अल्पके समस्त बर्ती जाइंट तो आप देखुं घटनास्थल में बर्तमान ट्रेन कर्मचारी अच्छा या सहित जो पैसेंजर अच्छा या सहित आरपीएफ पुलिस फोर्स स्पॉट पर पहुँच सारे तो गुरुत्वपूर्ण कथ देखु ये जो इलेक्ट्रिक जो रही जो केबुल जो ट्रेन रतायात करने जो भाव जो ट्रेन करेन्ट द्वारा परिचालित तो होबुल से केबुल बर्तमान देखिए ट्रेन बर्तमान एवं पड़ी रही तो गुरुत्वपूर्ण कथा कि ये जो पूरी जलेश्वर ट्रेन जाऊला जहाँकि जहाँफल गोटे बड़ धरण अघटन घटता घटनास्थल में बर्तमान उच्च कर्तृपक्ष पहुँच सारे ट्रेन टी अटकी जाए आउ गए पायलट ट्रेन आसी पहुँच सारे तो आप देखुं ये सीधासलख भिजुआल देखुं जे कि भाव में ये जो घटना घटी अनेपटे जहाँकि कल्पना दमकेन्द्र जो अच्छी से घटनास्थल में पहुंचे निया को लिभापी चेष्टा करते जहाँकि अति जेहतु पाख रही सांगे सांगे लिभि जाता तो निहत भाव देखते बड़ केबुल देख निया को जेहेतु आयत्त करा कहीं देखिए कि पाखे जेहेतु कल्पना दमकल केन्द्र रही है सेठू से सीधा सल आसी तो निया को तो देखुले अरुण आपन को निया को आयत्त करने को चेष्टा जारी रही जेहेतु निया लगी से जेहेतु आशंका थी दुर्घटनार कौन सी प्रकार अघटन न घटू ताकू दृष्टि रखी एभली एक पदक्षेप नि प्रतिक्रिया नौ निहत भाव में भिजुआल देखापी कह देखते बर्तमान अनेपटे जो देखिए जो जो पड़ जाइए से जो कला चिन्ह रही से जहाँकि पोड़ा चिन्ह रही तो केबुल पड़ला पर ही किसी निया लगी कथा कहते तो अनेपटे देखिए कि जो कर्मकर्ता अच्छा ट्रेन रहा किसी पार ना जो केबुल निहत भाव में देखापी कह बर्तमान देखिए जो कर्मचारी अच्छा नहीं आस तो ये देखूँ तो ये कैमेरा पर्सन परिस्पर टे भिजुआल देखे जे प्रकृत किए भी किसी कही पार ना कर्तृपक्ष जो अच्छे से भी किसी कह नाराज रोचान कहीं देखिए जो पोड़ा चिन्ह रही पोड़ा चिन्ह रही स्पष्ट भाव जना पड़ी कमी निया लगे कौन कारण लगी अलिया गदा नुहे केबल कि लगी देखो ये जो स्थानीय लोक कहवा कथा जे ऊपर केबल छिड़ला पर ही निया लगी कथा कहते तो मुझे भिजुआल देखे देखते जो पटे जो देखिए से पट को देखते जो रही पोड़ा चिन्ह रही सेपटे निया लगी भाव में अनेपटे देखिए कि जो काठ फलिया बस्ती पटे रही जो किसी घर रही सेपटे निया लगी तुम ये थी कमी कौन निया लगे जाच कौन कहल सर आसुले गाड़ी डायरेक्ट तार छिड़गला ऊपर जो तारटा अच्छी तारटा केबुल तारटा छिड़गला गली पड़ा से करेन्ट लगे करेन्ट चढ़ा ट्रेन चलता निया छिड़ी पड़ा उड़ी पड़ा से पड़ा केबुल तार छिड़गला आम कौन देखी आम तो ट्रेन भितर थे केबुल तारटे गोटे साउंड आसला भाविले कि केबुल तारटे छिड़ी बोध स्पार्क सेचुएसन गोटे पूरी अटकिले खाले तो एमती भी ट्रेन लेट पुणी ये गोटे सिचुएसन भगवान द्वारा किसी कार्य क्षयति केबुल छिड़ा निया स्पार्क जल्ला भय लगुच बर्तमान
ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା ନା ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିକି ଏହାର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତ ରାଇଟ୍ କହିହେବନି, ଜଷ୍ଟ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ଲାଗିବାର ଥିଲା। ତିନିଟା କେତେ, ତିନିଟା ପଇଁତିରିଶ ନା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କେବୁଲଟା ଛିଡ଼ିଲା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲା ନା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା? ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା କି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଭିଜୁଆଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ସମୟ ରହିଥିଲା, ତ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ଏଭଳି କେବୁଲ୍ଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଦୁଇପଟର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଲେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ରହିଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଅଭାବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ତମେ ଏଠି ଥିଲ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆଇଲି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଭିତରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିନି। ଏ ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେମିତି କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା ନିଆଁ କେବୁଲ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା, ହଠାତ୍ ପୁରା ଆବାଜ ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ ଦୂର ଆଉ ଆବାଜ ହେଇକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ପୁରା ବାହାରି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜଳେଶ୍ୱର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏବେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ତାର ଯେଉଁ ଝୁଲିଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରେଲୱେଙ୍କର ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ରେଲୱେକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହୁଛୁ, ରେଲୱେ ଏ ବିଭାଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଞ୍ଚୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ